देश में लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन चीजों में रियायत दी है और किन चीजों में सख्ती बरती है। खास बात यह है कि 20 अप्रैल के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायत दी है। क्या क्या बंद रहेगा? कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सभी तरह की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ही ट्रेन भी बंद रहेंगी। सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और बार बंद रहेंगे। धार्मिक स्थान, शादी समारोह, राजनीति और खेल आयोजन बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। ये करना है जरूरी। घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क लगाना जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर सैनिटाइजेशन का काम आवश्यक है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। मिलेंगी ये रियायतें 20 अप्रैल के बाद। ग्रामीण इलाकों में सारे कल कारखाने खुलेंगे। इमरजेंसी की हालत में चार पहिया में दो लोगों को और दो पहिया में एक व्यक्ति को जाने की इजाजत होगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुरियर और डीटीएच कामगारों को मिलेगी छूट। सभी ट्रकों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ गुड्स ले जाने की अनुमति। राशन, फल, सब्जी, मीट, मछली और दूध की दुकानें खुल सकेंगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी। फूड प्रोसेसिंग, सिंचाई प्रोडक्ट्स, सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। गांवों में मनरेगा मजदूरों से काम, फसल कटाई और बुआई की भी अनुमति मिलेगी। मछली पालन, चाय और कॉफी के उत्पादन से संबंधित लोगों को भी छूट मिलेगी।